हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं। 25 से आपके एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, तो इतने कम समय में हम कैसे नोट्स बना सकते हैं, कैसे रिविज़न कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके बीएड में चार पेपर होते हैं, सीसी फर्स्ट, सीसी टू, सीसी थ्री और सीसी फोर। सीसी फर्स्ट जो आपका पेपर है, बाल्यावस्था एवं बालक का विकास, जिसका मतलब होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो इसके लिए जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक रहेगी, आपकी पीटी पाठक की बुक है। अभी मैं आपको बुक भी दिखाऊंगी। सीसी टू पेपर है आपका भारत में शिक्षा स्थिति समस्या एवं मुद्दे, एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू। इसके लिए जो बुक रहेगी वो रहेगी डॉक्टर राजीव खरे जी की। तीसरा जो पेपर आपका है पाठ्यक्रम विकास एवं विद्यालय, करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, इसके लिए जो बुक रहेगी वो आपकी रहेगी एच एस शर्मा जी की। और सीसी फोर जो है आपका पाठ्यक्रम के परे भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट वन, इसके लिए बुक आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी एस के दुबे एंड एच एस शर्मा जी की। तो हम देखते हैं पीडी पाठक की बुक में क्या क्या दिया हुआ है। ये है फ्रेंड्स सीसी फर्स्ट की बुक पीडी पाठक की। तो इसमें जो आपको जो बुक है, तो ये तो लाइब्रेरी से अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसमें देख लीजिए। आपकी यूनिट के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक पूरे अच्छे से डिस्क्राइब रूप से दिए गए हैं, पूरा डीप दिया है। आप इसके पॉइंट पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें पूरी फिफ्थ यूनिट तक दिया है। इसमें जो भी है सिलेबस के अंदर, जो भी आपका सिलेबस है, पूरे टॉपिक इसमें बताए गए हैं। तो इस बुक से आप अच्छे से पढ़ लीजिए फ्रेंड। और आपको जो पढ़ना होगा, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, तो एक बार आप रीड कर लीजिए। ज़्यादा है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल जो मोटिवेशन बाय दीक्षा है उससे भी स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद हम सेकेंड बुक की बात करें, तो सेकेंड बुक मैं आपको दिखा, ये आपके सेकेंड पेपर की बुक है भारत में शिक्षा स्थिति एवं समस्या एवं मुद्दे। तो इसके लिए जो बुक है, जैसे कि मैंने राइटर का नाम आपको बता दिया है, डॉक्टर राजीव खरे जी की बुक है। इनकी बुक में भी सारा नोट्स दिया है, सारा सिलेबस यूनिट के अकॉर्डिंग दिए हैं, सारे टॉपिक हैं। तो आप ये बुक देख सकते हैं फ्रेंड्स, या मार्केट से परचेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सीसी थ्री के लिए आपके लिए बुक है करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, पाठ्यक्रम विकास एवं विद्यालय। तो इसके लिए जो बुक है, जैसा कि मैंने आपको राइटर के नाम बताया है, एच एस शर्मा जी की ये बुक है। इसमें भी पूरा देखिए, इसमें यूनिट के अकॉर्डिंग पूरा बताया गया है, यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट सेकेंड में, और इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे सीसी फोर, पाठ्यक्रम के परे भाषा। इसके लिए जो बुक है आपकी, जो राइटर हैं इनके, एस के दुबे जी हैं और एस के शर्मा जी। तो इन्होंने भी बताया है, ये इसमें तीन ही यूनिट है, क्योंकि ये 35 नंबर का आपका पेपर रहता है। और इस तरीके से इसमें ये पूरे नोट्स बताए गए हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक है। आप इसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। और जब भी आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है फ्रेंड्स, यदि आपको बुक से नहीं पढ़ना है तो आप विश्वास से भी पढ़ सकते हैं। आपको विश्वास भी दिखा सकती हूँ फ्रेंड्स, ये विश्वास है, आप इसको मार्केट में आसानी से परचेस कर सकते हैं। सीसी फर्स्ट का है क्या ये, सीसी सेकंड का, और सीसी थ्री का है ये, और ये सीसी फोर का। तो फ्रेंड्स, यदि आपको बुक से नहीं पढ़ना है, तो आप एक दिन में यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप विश्वास ले लीजिए। और ज़्यादा यदि और अच्छे से यदि आपको समझना है, तो आप मेरे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर जाइए और जाके वहाँ अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए। आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है फ्रेंड्स, तो आप टॉपिक डालिए और मेरे चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।